नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम जारियावर्त। आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई वर्कआउट के बारे में नहीं बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे भारत देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वह किस प्रकार से हमारे भारत देश के युवाओं का पतन कर रही है, और हमारे भारत देश में कौन सी शिक्षा है वर्तमान में, मैकॉले की शिक्षा पद्धति जो मैकॉले ने लागू करवाई थी अंग्रेज़ों के समय में। तो भाइयों, वह किस प्रकार से हमारे युवाओं का पतन कर रही है, वह ऐसे कर रही है कि युवाओं के अंदर बिल्कुल चरित्र नाम की चीज़ नहीं है, उनका चरित्र बिल्कुल बिगड़ चुका है और उनके अंदर बिल्कुल भी संस्कार नहीं है। पोर्न एडिक्शन, पोर्न वीडियो के इतने ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं वह कि गंदी गंदी वीडियो देखने में उनको बहुत मज़ा आता है। बेशक से वह अपने परिवार के साथ ना देखते हों, लेकिन एकांत में अपने यार दोस्तों के साथ ये सब काम वह करते हैं। और भाइयों, आजकल जो खबर फैल रही है आपने देखा होगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भाइयों क्या हुआ कि एक लड़की ने लगभग 60 लड़कियों की, वह हॉस्टल में रहते थे और वह स्नान कर रही थी, उन सभी की वीडियो बनाकर अपने बॉयफ्रेंड को दे दी। मतलब आप देख सकते हैं यह कितना घिनौना काम है। मतलब एक बार को ये कैसा काम है आप सोच ही सकते हैं। मतलब शर्म आती है ऐसे ऐसे इन चीज़ों को सोचने के बारे में, लेकिन जिसके अंदर काम वासना भरी होगी उसके लिए आम सी बात है, उसके लिए आम सी बात है भाइयों। जिसके अंदर हर टाइम काम वासना बुरे विचार चलेंगे ना, उसके लिए आम बात है यह सब करना। तो भाइयों, उन सब लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और यह सब हुआ कैसे, अगर उनके अंदर पहले से संस्कार होते, उनके अंदर ऐसे चरित्र होता, उनका चरित्र निर्माण किया जाता बचपन से ही, तो जो उस लड़की ने काम किया वह लड़की नहीं करती। और भाइयों, यह तो हमें वीडियो के द्वारा पता लग गया, कॉलेजों में जो हॉस्टल होते हैं उनमें और भी बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा मतलब बच्चे जो होते हैं भाई, दारू शराब और भाई उसमें मतलब बार में जाते हैं, हुक्का पीते हैं, बीड़ी सिगरेट गुटखा तम्बाकू और भाई सुल्फा गांजा, ये भाई बहुत सी चीज़ें हैं भाइयों। मतलब इनको है ना रात को नींद भी नहीं आती, मतलब ये इतने ज़्यादा मतलब वो हो जाते हैं, इनको दवाई ले लेकर सोना पड़ता है। मतलब जो एक दवाई आती है भाइयों रात को नींद लगवाने वाली, उसे नींद आ जाती है, तो उसे खाकर इनको सोना पड़ता है। तो भाइयों, कॉलेज और हॉस्टलों का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। हम तो बचपन में, मैं अपनी बताता हूँ, जब हम चौथी पाँचवीं क्लास में थे, मतलब चौथी पाँचवीं क्लास में थे, तो भाइयों हम देखते थे जो वो मैडमें होती है ना, मैडमें सर पर लाइन मार रही है, सर मैडमों पर लाइन मार रही है, मतलब सर आ रहे हैं मैडमों के पास घूमने हमारी क्लास में, और मैडमें जा रही हैं सर के पास घूमने, मतलब खुल्लम खुल्ला, और लड़का लड़की के पास बैठे हैं, लड़का लड़की के पास बैठा है, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं। और मतलब आप समझ सकते हो भाइयों, मैडमों के बारे में बुरे विचार बच्चे जो होते हैं वह निकालते हैं। और आजकल भाइयों बिल्कुल भी चरित्र नाम की चीज़ नहीं है, मतलब बिल्कुल भी संस्कार नहीं दिए जा रहे कि इस चीज़ को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने विचारों पर अपने मन पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं भाई। मतलब अध्यात्म के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा, बस इन सब भी उसमें यह बताया जा रहा है कि तुम पढ़ो लिखो दिन रात रटो और अपना 40-50 हज़ार की जॉब करो, बस यहीं तक ही है ज़िंदगी मेरे भाई, कुछ नहीं है। आजकल जो पहले का समय था ना, उसमें लड़का और लड़की जो उनकी शिक्षा व्यवस्था होती थी वह अलग अलग होती थी, लेकिन आजकल क्या, लड़के लड़कों के कमरे में लड़कियां बैठी हैं, लड़कियों के कमरों में लड़के बैठे हैं, मैडम सर आपस में पढ़ा रहे हैं, मतलब और ये क्या है, मतलब इससे बुरे विचार नहीं आएंगे तो और क्या आएंगे। तो भाइयों ये सब है ना मैकॉले की शिक्षा पद्धति की वजह से हो रहा है, जो मैकॉले की शिक्षा पद्धति है उसकी वजह से यह सब हो रहा है, नहीं तो जो हमारी वैदिक शिक्षा पद्धति है उसमें इन सब चीज़ों पर कंट्रोल रखने के बारे में बताया गया है। तो सभी भाइयों को नमस्ते, जय श्री राम। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी।